पोकेमोन फ्रेंचाइज में मेन कैरेक्टर एस के साथ हमेशा कोई ना कोई पार्टनर रहा है किसी भी रीजन में, लेकिन कैंटो रीजन जो एस का स्टार्टर रीजन और कई पोकेमोन फैंस का फेवरेट रीजन भी रहा है, उसी में हमारे को दो कैरेक्टर दिखाए गए थे एस के अलावा, ब्रोक और मिस्टी। और आज हम इन दोनों का ही कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन करके देखेंगे कि कौन ज़्यादा बेस्ट हैगा। अगर आपको लगता हैगा कि मिस्टी बेस्ट है तो ऑल द बेस्ट, अगर आपको लगता है ब्रोक बेस्ट है तो कमाल की बात है भाई, आप जीतने वाले हैं। ऐसा आपको लगता है तो वीडियो अंत तक देखिए, आपको सच पता लग जाएगा, क्योंकि अभी तक मुझे भी नहीं पता। तो हम इनके छः छः पोकेमोन देखेंगे कि इनके छः पोकेमोन के फीट्स क्या हैं, फीट्स मतलब कि इन्होंने एनिमे सीरीज में क्या कमाल कर रहे हैं, इनके बेस्ट छः पोकेमोन कौन से हैं, और उनकी बैटल करा के हमें आंसर मिल जाएगा, और थोड़ा बहुत इनके एक्सपीरियंस और स्किल के बारे में भी जानेंगे। मिस्टी, ये बहुत एंग्री गर्ल है, इसको गुस्सा हमेशा नाक पे रहता हैगा। ये अपनी फैमिली में सबसे छोटी है और ये सरुलियन सिटी जिम की जिम लीडर भी है। इस जिम में आपको वाटर टाइप पोकेमोन मिलेंगे, इसलिए मिस्टी को भी वाटर टाइप पोकेमोन बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और इसको सिर्फ एक ही पोकेमोन टाइप से नफरत है, वह बग टाइप। नफरत कहो या डर कहो, ये बग टाइप से बहुत ज़्यादा डरती हैगी। ये वाटर टाइप के हमेशा साथ रहती हैगी, चाहे इसकी कोई भी बेइज्जती कर रहा हो वाटर टाइप पोकेमोन की, तो ये हमेशा वाटर टाइप पोकेमोन का डिफेंस करती है। अब बात करते हैं ब्रोक की। ये बहुत ही शांत स्वभाव का बंदा है, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हैगा, और एस का सारे दोस्तों में सबसे ज़्यादा मैच्योर बंदा यही है। ये लड़कियों की फिदा रहता हैगा और इसका ड्रीम हैगा पोकेमोन ब्रीडर बनने का, और पोकेमोन की मदद करने से बहुत ज़्यादा पसंद हैगा, चाहे इसके बीच में कोई भी आ जाए, लड़की भी आ जाए, तब भी ये पोकेमोन की मदद करते वक्त नहीं देखता कुछ भी, यानी कि इसका ड्रीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। जैसे मिस्टी को वाटर टाइप पोकेमोन की वजह से जाना जाता है, वैसे ब्रोक को रॉक टाइप पोकेमोन की वजह से जाना जाता है। अगर इन दोनों की बैटल कभी भी हुई तो ब्रोक आराम से हार जाएगा, ऐसा गेम का कहना है, लेकिन एनिमे में यहाँ बात पूरी पलट जाती है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेटजी और बैटल एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा काम आता हैगा। और यही नहीं, इसमें पोकेमोन टाइप एडवांटेज ज़्यादा असर नहीं देता, अगर पोकेमोन का एक्सपीरियंस लड़ने का अच्छा है या फिर पोकेमोन के पास बहुत ही गजब की फाइटिंग स्किल्स हैं पहले से ही। तो एक्सपीरियंस की बात की जाए तो ब्रोक का बेझिझक ज़्यादा एक्सपीरियंस हैगा मिस्टी से। ऐसा इसलिए हैगा क्योंकि वो बड़ा हैगा अपने घर में सबसे ज़्यादा, एक जिम लीडर होने के नाते उसने पूरे वक्त जिम को संभाला हैगा। पर मिस्टी वो जिम लीडर कभी थी नहीं, उसकी बहनें जिम लीडर थी और वो सबसे छोटी थी, इसलिए से जिम में ज़्यादा मौका नहीं मिला था। और दूसरी बात स्किल की बात करते हैं तो स्किल भी ब्रोक के पास बहुत ज़्यादा है, वो खाना बनाने में बहुत अच्छा एक्सपर्ट हैगा और वो कई तरह की दवाई बना लेता हैगा। उसका बॉन्ड भी अच्छा हैगा पोकेमोन से, किसी भी टाइप के पोकेमोन को वो जल्दी से इंप्रेस कर लेता हैगा और फिर टीम में ले सकता हैगा। यही मिस्टी सिर्फ एक वाटर टाइप पोकेमोन ट्रेनर बनने जाती है, इसलिए उसे फिशिंग अच्छी आती है और कुछ नहीं, बस यही इसकी स्किल। अब बात करते हैं एनिमे में बैटल सीरीज की, कि इन्होंने बैटल कौन कौन सी करी है, किस किस तरह की बैटल की है। पहले बात करते हैं ब्रोक की। ब्रोक ने हार्ट होम सिटी टैग बैटल में टॉप फोर में आया था, पोकेमोन ब्यूटी कॉन्टेस्ट में सूजी के साथ ये देखा गया था काफ़ी अच्छे से, और पोकेमोन बलून रेस इसमें भी जीती है और मिस्टी ने भी जीती है। गार्डनिया कॉन्टेस्ट में रनर अप रहा था और पोकेमोन ड्रेसअप कॉम्पिटिशन का विनर भी रह चुका हैगा, और पोकेमोन समर अकेडमी में विनर हैगा और फेस्टिवल बैटल चैलेंज में टॉप फोर में आ चुका है, और एक पेस्टोरिया ग्रोकंग फेस्टिवल में भी इसने पार्टिसिपेट किया हैगा, मतलब इसने बहुत ज़्यादा जगहों पे पार्टिसिपेट किया है और कई जगह जीता, टॉप फोर में रहा है। और यही बात करते हैं मिस्टी की, कि क्वीन फेस्टिवल की विनर रह चुकी हैगी, सीकिंग कैचिंग कॉम्पिटिशन जीत चुकी हैगी, और ये पोकेमोन बैलून रेस में ये भी जीती थी, मैंने पहले बता दिया हैगा, और वर्ल्ड कप में टॉप 8 में आई थी, इसने एस को हरा दिया था वर्ल्ड कप जो पानी वाला था, और टूर दे अल्टोमेज ये कुछ अजीब सा नाम हैगा उधर की विनर ये रह चुकी हैगी, ये आपको फोटो में दिख रहा होगा कौन सा कॉम्पिटिशन था ये। तो गाइस एक्सपीरियंस आपको पता लग गया होगा कि ब्रोक का काफ़ी ज़्यादा है मिस्टी से, लेकिन मिस्टी के पास पोकेमोन कुछ ज़्यादा हैंगे और एक दो कुछ खास पोकेमोन हैंगे, और यही ब्रोक के पास अलग अलग टाइप के पोकेमोन हैंगे, तो बैटल अब शुरू होती है। पहले बात करते हैं मिस्टी के बारे में। मिस्टी के पोकेमोन हैंगे गैराडोस, कोर्सला, साइडक, पोलिटोड और स्टामी। वैसे और भी पोकेमोन हैंगे, लेकिन छठा पोकेमोन मैं रखना चाहूँगा गोल्डिन को, बस इसके ये छः पोकेमोन हैंगे जो बहुत ज़्यादा बैटल में दिखाए गए होंगे। वहीं ब्रोक की बात की जाए तो उसका सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है मेगा स्टीलिक्स, क्रोबैट, सूडोवुडो, जियोडूड और चैंसी और ग्रोकंक।
बैटल तो माना कि बहुत धमाकेदार होगी, लेकिन मिस्टी के कोई भी पोकेमोन इसके आगे वीकनेस नहीं रखता, बल्कि मिस्टी के सारे पोकेमोन ब्रोक के आगे सुपर इफेक्टिव है। पहली बैटल होगी जियोडूड वर्सेस स्टामी। स्टामी एक स्टारयू की तरह काउंटर पार्ट आएगा, इसलिए स्टारयू की बैटल को ही हम मान लेंगे, क्योंकि स्टारमी को ज़्यादा दिखाया नहीं गया है एनिमे में, और वैसे जियोडूड उसको भी ज़्यादा वॉइस टाइम नहीं दिया गया है जितना और पोकेमोन को दिया गया था। तो इन दोनों की बात करी जाए तो स्टामी यहाँ पर जी सकता हैगा, माना जियोडूड ताकतवर हैगा और उसने भाई चार झाड़ जैसे पोकेमोन को हरा रखा हैगा, लेकिन वह चार गुना सुपर इफेक्टिव था। लेकिन स्टामी उसने बटरफ्ली को हराया था जिससे कोई ज़्यादा सुपर इफेक्टिव नहीं था, और तब भी उसने हरा दिया था। नेक्स्ट बैटल होगी पोलिटोड वर्सेस ग्रोकंक। पोलिटोड जिसने एस के टोटोडाइल को हराया था, और वहीं पर ग्रोकंक जिसने कई ज़्यादा बैटल लड़ी हैगी और अपने विकसित रूप टॉक्सिरोक को भी हरा रखा हैगा। तो इन दोनों की बैटल अगर कभी भी होती है तो भाई साफ विनर ग्रोकंक होगा इसमें, क्योंकि टोटोडाइल भाई ज़्यादा अच्छा पोकेमोन नहीं था एस का, मारा उसने उस टाइम पर बहुत अच्छा कमाल किया था, लेकिन पोलिटोड नहीं हरा पाएगा भाई ग्रोकंक को। अब बैटल होगी गोल्डिन वर्सेस चैंसी के बीच में। गोल्डिन जो मिस्टी का एक नॉर्मल पोकेमोन हैगा जिसका स्मॉल वर्ड ट्रांसपोर्ट के लिए करती हैगी, लेकिन उसने जो भी बैटल लड़ी है उसमें एक दो बैटल उसने जीती हैगी। वहीं चैंसी कोई बैटल करती नहीं है, जब वो हैप्पी नहीं थी तब उसने बहुत सारी बैटल की थी, इसलिए चैंसी मुझे नहीं लगता कि बैटल में ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैगी। पर हैप्पी नहीं होती तो बात यहाँ बदल सकती थी, लेकिन चैंसी का एक्सपीरियंस बैटल का कम हो चुका है और वो हीलिंग में ज़्यादा जा चुकी है, तो फिर वो हीलिंग पोकेमोन बन चुकी है, तो यहाँ पर साफ जाहिर है कि गोल्डिन ही जीतेगी। नेक्स्ट बैटल है सूडो वूडो वर्सेस साइडक। पहले बात करते हैं साइडक के बारे में। साइडक ने जैसे कि लिगिटंग को हरा रखा है, और लिगिटंग ने उस टाइम पे पिकाचू, वल्पिस और बल्बासोर जैसे खतरनाक पोकेमोन को हरा रखा था, उसको हरा दिया साइडक ने। और दूसरी बात एस के किंगलर को, जो आम पोकेमोन नहीं हैगा, किंगलर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन हैगा और उसको साइडक ने हरा रखा है, तो ये हल्के में नहीं लेने वाला पोकेमोन है। और यहीं बात करते हैं सूडो वूडो की। इसे ब्रोक ने पकड़ा था जब वो बोन्सली था डायमंड एंड पर्ल सीरीज में, और इसने कार्निवाइन जो जेम्स का था और मंचलैक्स जैसे पोकेमोन को हरा रखा है बस। तो यहाँ पर साफ जाहिर रहेगा आपका विनर कौन हो सकता है, साइडक ऑफ कोर्स। गाइस क्रोबैट और कोर्सला ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा कमाल के पोकेमोन हैं, और इनके सेकंड हाईएस्ट रैंक वाले पोकेमोन है ये। लेकिन पहले बात करते हैं कोर्सला के बारे में, कि कोर्सला ने वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में गैरडोस जैसे पोकेमोन हराया था और इस्पियन जैसे पोकेमोन से हार गई थी। लेकिन क्रोबैट जो बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड पोकेमोन हैगा, वो क्योंकि गेम्स में उसके सबसे ज़्यादा स्टैट आएंगे ब्रोक के किसी भी पोकेमोन से, बल्कि उसके सबसे फर्स्ट पोकेमोन से भी ज़्यादा स्टैट रखता हैगा। और यही बात करें, उसने बहुत पहले पकड़ रखा था क्रोबैट को जब वो ज़ूबैट था, ज़ूबैट से गोल्ड बैट, गोल्ड बैट से क्रोबैट, तो यानी कि ब्रोक कैस की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो गई थी, क्योंकि फ्रेंडशिप लेवल मैक्स होने पर क्रोबैट में इवॉल्व हुआ जा सकता हैगा। तो आप जान सकते हैं कि कोर्सला कितनी बुरी तरीके से हार जाएगी यहाँ पर भी। तो इनके फाइनल पोकेमोन जो एस पोकेमोन है उनकी बारी आ चुकी है, गैरडोस वर्सेस स्टीलिक्स। गैरडोस जो मेगा इवोल्व हो सकता है और मेगा गैरडोस बन जाएगा, वहीं पर स्टीलिक्स मेगा इवोल्व होकर मेगा स्टीलिक्स बन जाएगा। तो बैटल तो बहुत ज़्यादा धमाकेदार होगी इन दोनों की, लेकिन यहाँ पर एक एक एडवांटेज है दोनों के पास। ऐसा नहीं हैगा कि मिस्टी अकेली जीतेगी, अगर मिस्टी के पास वाटर टाइप हाइड्रो पंप हैगा तो वहीं पर स्टीलिक्स के पास रॉक टाइप रॉक थ्रो हैगा जो गैरडोस पे सुपर इफेक्टिव रहेगा। तो यहाँ पर बात ताकत की जगह एक्सपीरियंस पे आ जाती हैगी, और यहाँ पर एक्सपीरियंस आपको बताइए कि किसका बेस्ट हैगा। तो यहाँ पर आपको विनर मिल चुका होगा, वो है ब्रोक। हाँ गाइस, यहाँ पर ब्रोक विनर रहेगा। और ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसे ज़्यादा नहीं बता सकता कि क्यों। अगर आपको लगता है कि मिस्टी विनर हैगी तो अपना ओपिनियन कमेंट कीजिए।